और बुढ़े पानी ला के दिया, कम से कम साफ पानी तो ला के देता, गंदा पानी पिलाएगा मुझे। बहू मैं तो आरओ से पानी लेकर के आया था, ये पानी गंदा कैसे हो गया मुझे पता नहीं। और बहू मुझ पर ऐसे पानी मत डालो, और तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। हाँ हाँ बुढ़े मुझे पता है तेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, मेरे इतने से पानी डालने से तू कहीं मर नहीं जाएगा, खाली काम ना करने के ना बस बहाने ढूंढता रहता है ये। बहू मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरी बहुत तबीयत खराब है। सही में बेबी तुम्हारे ससुर बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। सच में यार मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के इसके ड्रामे से, इसका बेटा तो चला गया फौज में, इसको मेरे सर पे छोड़ के गया है। वैसे यार तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें ये नौकर मिल गया, वो भी फ्री में। हाँ वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जो पानी गिरा उसे साफ कर। बहू मैं साफ करूँ? अरे बुड्ढे तू नहीं करेगा इसे साफ तो कौन तेरा बाप आके करेगा क्या, चल जल्दी साफ कर। ठीक है बहू अभी साफ कर देता हूँ। बहू कोई गंदा कपड़ा दे दो उससे साफ कर देता हूँ। क्या अब ये गंदगी साफ करने के लिए तुझे मैं ही कपड़े ला के दूँ क्या, अपना ये स्वेटर उतारो इसी से साफ कर। ओए बुड्ढे अच्छे से साफ करना, अगर जरा सी भी गंदगी बची ना तो आज खाना नहीं दूंगी मैं। अरे मेरे पति का फोन आ रहा है, तुम ना चुप रहना। हेलो कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और पापा कैसे हैं? हाँ हाँ पापा भी बहुत अच्छे हैं। तुम उनका ख्याल तो रखती हो ना? अरे हाँ तुम्हारे पापा का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देती, टाइम पे खाना टाइम पे दवाइयाँ सब कुछ देती हूँ उनको। यार पापा से बात करा दो ना। पापा से बात? वो तो अभी आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? यार फिर भी एक बार करा दो, बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई। हाँ तुम रुको मैं अभी बात कराती हूँ। ले बुड्ढे अपने बेटे से बात कर ले, और सुन गलती से भी ना मेरे और मेरे आशिक के बारे में कुछ नहीं बताना अपने बेटे को। हेलो पापा आप कैसे हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। काजल आपका ख्याल तो रखती है ना? हाँ तेरी बीवी मुझे कोई परेशानी नहीं होने देती है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। अच्छा कोई परेशानी नहीं है? अगर कोई परेशानी नहीं है तो फिर ये पोछा क्यों लगा रहे हो? तुम कब आए? बेटा तू आ गया? हाँ पापा मैं आ गया। पापा आप एक मिनट रुको। काजल पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये लड़का कौन है जो मेरे ही कमरे में मेरे बिस्तर पे तुम्हारे साथ लेटा हुआ है? ये मेरे दूर के भैया हैं। नहीं नहीं बेटा ये झूठ बोल रही है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड, और जब तू यहाँ नहीं रहता है तो तेरी गैर हाजिरी में ये हमेशा यहाँ आता है। नहीं नहीं पापा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये मुझे पता चल चुका है, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। कैसे तुम मेरे बूढ़े पिता को तड़पा रही थी, उन पे अत्याचार कर रही थी। अरे ये तो बीमार आदमी है और तुम इनसे पोछा लगवा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? काजल मैंने तुझसे इसलिए शादी की थी कि तू मेरे पिता की सेवा करे उनका ख्याल रखे, पर तूने तो इनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। और काजल आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तूने ये कदम उठाया कि मेरे ही पिता के सामने तू मेरे ही कमरे में अपने आशिक के साथ लेटी हुई थी? छी मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तू अब भी अपने आशिक को लेके मेरे घर से निकल जा। नहीं नहीं रोहित मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। माफ कर दूं? बे तुझ जैसी बच्चलन औरत को तो मैं क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, ये रोना धोना बंद कर और निकल मेरे घर से। आप अपनी बेवफाई कितनी भी छुपा लो, असलियत एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है।